जय हिंद, राम राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंदी भाषा एकेडमी पे। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जो हाइट इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि 18 टू 20 एक एज होती है जहां तक हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं, बस वहीं तक होते हैं, और 20 के बाद हाइट बढ़ने के चांसेस 0.1% से भी कम होते हैं। लेकिन कई लोगों में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट देखा गया है, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि कुछ चीजें हैं जो क्रिएट करके, जो कुछ चीजें करके आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हो। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 5 पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे और पांचों पे आपको फोकस करना है अगर आप एक्चुअल में अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हो आफ्टर 20, ठीक है, 20 के बाद भी। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो डाइट आपके लिए हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। लेकिन हाइट ग्रोथ का मैटर क्या होता है कि आपको ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होता है, आपके आपकी स्पाइन, आपका जो बोन्स होती है उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि तब आपकी बॉडी जाके कहीं टॉलर समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फूड लेने हैं जिनमें कि प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, मिनरल्स, सारा सब कुछ जो है, क्योंकि जो प्रोटीन जब आप लेते हो वो जो सिंथेसिस होके जो इनके अमाइनो एसिड से जो LRG9 निकलता है, वो आपकी बॉडी के जो भी आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है उसको रिलीज करने में, आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में, आपकी लंबाई बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है, एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली डाइट आपको लेनी है, ठीक है। डाइट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। दूसरी चीज अगर बात करें तो स्लीप, जी हाँ स्लीप। अगर आप सिर्फ 3 घंटे 2 घंटे सो रहे हो तो मैटर नहीं करता है कि आपके हाइट इंक्रीज करने के चांसेस हैं। आपको क्या करना है, आपको करना सिंपली ये है कि अपनी बॉडी को एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद जरूर देनी है। जब आप रिलैक्स होकर सोते हो तब आपकी बॉडी काम करती है, HGH हार्मोन रिलीज करती है जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, तब जाके आपकी कहीं हाइट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि अपनी जो नींद है उसको, जो क्वालिटी नींद है आपकी, जो रात की नींद होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तीसरी चीज़ अगर यार हम बात करें तो विटामिन डी की। विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे फूड में पर्याप्त विटामिन डी या किसी भी अन्य सोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है जितना सनलाइट में है। तो दिन में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, दिन में जो दोपहर में धूप निकलती है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो हार्मफुल है। जो सुबह की पहली किरण होती है, वो जो धूप होती है, वो आपकी बोन्स के लिए बहुत हेल्दी है, जो कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह वाली वो आपको धूप लेनी है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथी चीज अगर बात करें तो कुछ योगासन, योगासन आपको एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग से ज़्यादा आपको योगासन हेल्प करेंगे आपकी हाइट इंक्रीज करने में। 5 योगासन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है अपने पास योगासन जो है वो है ताड़ासन, दूसरा है भुजंगासन, ठीक है। ये सब आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो, इस सब के आपको मिल जाएंगे। पहला है ताड़ासन, दूसरा है भुजंगासन, तीसरा है अधोमुखा स्वनासन, ठीक है, चौथा है निकोनासन, और 5वां है सर्वांगासन। अब ये सब आसन आपको क्या करने हैं, YouTube पे आपको वीडियोस देखने हैं और उन वीडियोस से आपको ये लर्न करके आपको डेली योगा परफॉर्म करना है एटलीस्ट 30 मिनट। 30 मिनट कम से कम ये 5 योगा आपको करने हैं, जो भी आप टाइम लिमिट अपना डिवाइड करके करो। तो ये योगा आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करेंगे आपकी हाइट इंक्रीज करने में। 5वां है कोई भी LRG9 सप्लीमेंट। कोई भी LRG9 सप्लीमेंट आप यूज करते हो, चाहे वो एज इट इज का ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, सब बेस्ट है। LRG9 वैसे तो अपने जितने भी फूड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स होता है वो सिंथेसिस होके वो हमें LRG9 मिल जाता है, लेकिन कई बार होता है हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी होती है फूड में हमारे कि हमारी बॉडी को पर्याप्त LRG9 नहीं मिल पाता है, उसके लिए हमें सप्लीमेंट इंटेक करना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई भी सप्लीमेंट बाय कर सकते हो, LRG9 किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, हम कोई लिंक नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आप कहीं से कोई भी LRG9 का एक सप्लीमेंट बाय कर लो और आधा स्कूप डेली पानी के साथ पीना चालू कर दो, ये आपकी हेल्प करेगा आपको लंबाई को बढ़ाने में। वीडियो आज का यही खत्म करते हैं, कोशिश यही रहती है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए। हाइट बढ़ने के चांसेस यहाँ 20+ बहुत कम होते हैं, जब आपकी उम्र 20 के ऊपर हो जाती है तो वो एक जो प्लेट्स होती हैं आपके हाइट इंक्रीज प्लेट्स, वो बंद हो जाती हैं बनना, और उसके बाद फिर मुश्किल होता है आपकी बॉडी की लंबाई को बढ़ाना। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं परसों फिर इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।